नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में विशेष वर्ग द्वारा दो दिनों से NCR का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें देर रात कुछ अप्रिय घटना की पुलिस प्रशासन को सूचना मिली थी, जिसके बाद कांग्रेसी पार्षदों का एक दल इंदौर DIG और कलेक्टर से मिलने इंदौर कंट्रोल रूम पहुंचा, जहां पर मुलाकात के बाद उन्होंने देर रात हुए घटनाक्रम की जानकारी दी। ये नजारा है इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम का, जहां दर्जनों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसी DIG रुचि पर जन्मी और कलेक्टर लोकेश जाटव से मिलने पहुंचे थे। दरअसल दो दिन से सदर बाजार थाना क्षेत्र के जामा मस्जिद में विशेष वर्ग द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने के दौरान मामूली घटनाक्रम हुआ था, जिसे देखते हुए आज कांग्रेसी अधिकारियों से मिलने पहुंची। वहीं अधिकारियों ने कांग्रेसियों को आश्वस्त कराया कि यदि घटनाक्रम में कोई अधिकारी की गलती से यह घटना हुई तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पार्षदों का कहना था कि धरने प्रदर्शन द्वारा यदि इस प्रकार की अभद्रता पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है तो उसका विरोध दर्ज कराने आए हैं। हमारे ही समाज के लोग हैं और हमारे ही लोग हैं, अगर इस तरह का हम रूमर फैलाएंगे तो ये गलत होगा हमारे समाज के लिए भी और इस शहर के लिए भी। तो मेरा भी आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह की बात इस शहर में ना फैलाएं कि वहाँ पर कोई नेता की एंट्री नहीं हो रही या नेताओं से वहाँ पर परहेज किया जा रहा है। इस तरह का कोई भी वहाँ पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं की गई है और वो हमारे ही लोग हैं, हम उनको भी आज जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ही NRC का मुद्दा है, हम खुले मन से वहाँ पर जाकर बैठेंगे और हम भी वहाँ पर जाके ज्वाइनिंग करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लाठी चार्ज के लिए आए थे, जो कि हमारी बात कलेक्टर साहब से और रुचि वर्धन जी मैडम से हो चुकी है। धन्यवाद। आज जो एक प्रदर्शन चल रहा है लगभग दो दिन से, उसके संबंध में कुछ चर्चा आयोजित की थी कि कैसे उसको एक आपसी सहमति के आधार पे हम लोग उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। और इस समय में जो डेलीगेशन आया था उनकी एक मांग भी थी कि एक आरोप ऐसा लगाया गया है कि कल रात को उस ग्राउंड में जो गैदरिंग थी उनको हटाने का फोर्सफुली प्रयास किया गया है, तो उसके जाँच के आदेश भी ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिए हैं और जाँच रिपोर्ट के अनुसार जो बिंदु सामने आएंगे उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।